जय हिंद, नमस्कार साथियों। जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और बहुत ज्यादा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं आने वाला फिजिकल दोस्तों आपका है दिल्ली पुलिस, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहा था सर, और कोई भी सरल तरीका बताइए जिससे हम आसानी से 4 फीट जंप लगा दें। जी हाँ दोस्तों, मैं विश्वास और आशा दिलाता हूँ जिस भाई ने भी इस वीडियो को पूरा फॉलो कर लिया वो बंदा आसानी से 4 फीट जंप मार देगा। आज दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे किस तरह आप जंप मारे जिससे आप खुद से मोटिवेट हो और 4 फीट जंप मार दे। आज अब दोस्तों हम 4 तरीके बताएंगे, और जिस बंदे ने भी 4 तरीकों को अपना लिया, जी हाँ दोस्तों मैं विश्वास और आशा दिलाता हूं वो बंदा हंसते हंसते 4 फीट जंप मार देगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं इसको मेजरमेंट करवा देता हूं कि ये कितना फिट है। आओ बेटा इधर अंदर से लो। दोस्तों देखिए, आप हम इसको जमीन से ले रहे हैं दोस्तों, देखिए। और ये दोस्तों बाचू को 48 होता है और 4 फीट यहां पर हो रहा है, हमने कम से कम 2-3 सेंटीमीटर ज्यादा लिया दोस्तों, देख लीजिए। अब हम बताएंगे दोस्तों किस तरह आपको जंप मारना है, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, जंप लगाने के पहले आपको अपनी बॉडी को गर्म करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं विश्वास और आशा दिलाता हूं कि जिस भाई ने भी 4 से 5 एक्सरसाइज करने के बाद में ये कभी जंप मार रहा है वो आसानी से 4 फीट जंप मार देगा। आओ बेटा, सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को गर्म करना है, जंप स्टार्ट करो। चेस्ट खींच कर पूरा, फुल बॉडी स्ट्रेच पूरा, ये चेस्ट की तरफ होनी चाहिए पूरा खींचकर। लेग चेंज चेंज बैक, उधर देखिए फुल खींच के पूरा, जो आपकी हिल से है आपकी हिप से पट्टा छोड़ना चाहिए। लेग चेंज चेंज नॉर्मल ट्रंक फुल खींच के चेंज नॉर्मल। अब दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको 4 एक्सरसाइज, और ये 4 एक्सरसाइज आपको रेगुलर करना, कभी आपके हाई जंप नहीं आ रही है। पहली एक्सरसाइज दोस्तों टेको पॉइंट के लिए, आप कभी टेको पॉइंट ले रहे हैं और कभी आपका पैर फिसल जाता है और लकड़ी गिर जाती है, जो भी आपके अटेम है वो एक कम हो जाता है दोस्तों, इसके लिए आपको ये वाली एक्सरसाइज करना है। कंट्री पंच पर मोशन पूरा हल्का सा घुटना मोड़ो सामने, देखिए बिल्कुल सामने नॉर्मल दोस्तों। पहली एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज दोस्तों आपको मानना है एल पोशन की, उठाकर बॉडी को, ये जब क्रॉस करते ना दोस्तों इस स्टिक को, उसमें बहुत ज्यादा आसानी होगी दोस्तों आपको, उठा के बॉडी को नॉर्मल दोस्तों। थर्ड एक्सरसाइज दोस्तों आपको मानना है हाई नी, उठा के बॉडी को, जितना अप जाओगे उतने ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों आपको हाई जंप मारने में नॉर्मल। अब फ्रंट किक मारना है पैर एकदम स्ट्रेट करके पूरा, ये वाली एक्सरसाइज आप करेंगे दोस्तों तो इसमें दोस्तों आपको आसानी रहेगी केची मारने में। उठा बॉडी को पूरा स्ट्रेट कर पूरा नॉर्मल। अब दोस्तों कुछ भाई लोग को क्या होता है, कुछ बंदे केची मारते हैं लेकिन कुछ बंदे मारते हैं दोस्तों फ्रंट, और कभी आपको फ्रंट मारना है तो दोनों ये आपके यहां से और ये यहां पर टच होना चाहिए। फुल जंप मारना है दोनों क्रॉस करके एकदम यहां पर चेस्ट पास में जंप मारो, फ्रंट मारो ऊपर ऊपर फ्रंट 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 ये फ्रंट मारो पूरा ऊपर मारो और मारो और मारो नॉर्मल दोस्तों। ये वाली एक्सरसाइज में क्या होता है, जो आपके हिल से आपके चेस्ट के पास मारना चाहिए पूरा जंप मारना, ये पूरा उठा कर 1 2 उठा कर बॉडी दोस्तों, तो बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब दोस्तों बता रहे हैं हमको आपको किस तरह जंप मारना है, कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, कुछ भाई का कमेंट्स भी आता है कि सर जंप मारते समय सपोज से लकड़ी गिर गई और हमारा जंप नहीं हुआ, क्या हम क्वालिफाई है या डिस्क्वालिफाई है? यस सर, नो यस सर। तो क्या बोलोगे आप? डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। और जंप आपने लगा दी और ये स्टिक को टच कर दिया और हिल रही है और आप आसानी से कूद गए, तो जी हाँ दोस्तों आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ध्यान रखना, जंप लगा रहे कभी फ्रंट मार रहे हैं दोस्तों तो फ्रंट कम से कम आपको 3 फीट पहले से जंप मारना है, और कभी कैची मार रहे हैं तो आपको यहां से मारना पूरी बॉडी को उठाकर। रेडी हो? यस सर। आओ फ्रंट आओ, 4-5 बंदे आ जाओ बेटा। हाँ 4-5 बंदे नॉर्मल जंप, इधर आओ बेटा एक बार वापस आओ। जंप आपको हमेशा मेरी बात को ध्यान रखना दोस्तों, उल्टे पैर पर जंप मारना है। कहाँ पे मारना है? उल्टे पैर पर जंप मारना है, और शॉर्ट्स और बस बनियान ही पहनना है, मेरी बात को ध्यान रखना। वो जंप मारते समय
आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना और बोले पीछे मुड़कर जाइए लकड़ी गिर जाएगी। गो फिर से लगा रहा हूँ। रेडी हो? आओ फ्रंट आओ। बहुत बढ़िया, गुड। कोई बात नहीं दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करना, मैंने आपको बताया। इधर आओ, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना। मैंने आपको बोला था कि जंप मारने के पहले आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। इस बंदे ने जंप मारी नहीं और पीछे देख रहा, तो लकड़ी गिर गई। वापस रखो इसको और वापस आपको ही आना है। जी हाँ दोस्तों, मैं विश्वास और आशा दिलाता हूँ जिस भाई ने इस वीडियो को पूरा फॉलो कर लिया, पूरे डाउट से क्लियर हो जाएगा और वो बंदा आसानी से चार फीट जंप मार देगा। दोस्तों देखना किस तरह आपको जंप मारना, नॉर्मल रिलैक्स बॉडी, उल्टे पर भी जंप मारना और यहां पर लेके जाना है और सामने देख रहा है। आजा बेटा, फ्री माइंड, बिल्कुल फ्री माइंड, फ्री माइंड। बहुत बढ़िया, किस तरह आपको जंप मारना, मतलब मोटिवेट रहना। अरे होगा नहीं होगा, अरे भाई करेंगे तो होगा, अन्यथा नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। और बात घूम कर वही आती है मेरे दोस्त कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थककर ना बैठ, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा दोस्तों। तो मेहनत करना पड़ेगा, थकना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तभी आपको वर्दी मिलेगी। चलो आइए बेटा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और दोस्तों मैं तो आपको यही बोलूंगा, कभी आप कैची मार रहे हैं तो बहुत ज्यादा आसानी रहेगी और फ्रंट मारेंगे आपको, जानो दोस्तों ये दोनों हिल्स आपकी यहां पर आएगी, थोड़ी तकलीफ तो होगी लेकिन मैं तो आपको यही बोलूंगा दोस्तों कैची मारो। एक बार कैची आओ बेटा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आजा आजा, बहुत बढ़िया, बहुत आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। कभी इस YouTube चैनल के सभी वीडियो आपको पसंद आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आने वाली 15 तारीख से हमारी दिल्ली पुलिस की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, आप भी आ सकते हैं इंदौर फिजिकल एकेडमी और आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इंडियन आर्मी भारतीय सेना में सबसे ज्यादा संस्थान, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान बना है, कौन सा? इंदौर फिजिकल एकेडमी। और आप भी आ सकते हैं, कभी आपका सपना है फौज में जाने का तो आप भी आ सकते हैं फौजी बनने के लिए इंदौर फिजिकल एकेडमी। भारत माता की।